आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसका नाम है GPS काउंटर बांगी द पैराडाइज ऑफ लर्निंग, और हमारे Facebook पेज पर जिसका नाम है मनोज नेगी मन। आज जून माह की पहली शिक्षक माह पर बैठक की गई थी सभी स्कूलों में, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में भी बैठक हुई, जिसमें माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आज के इस बैठक में बहुत ही खास एक कहानी कुमारी अंजना मैम द्वारा सुनाई गई, जो जिसने सभी माताओं को भावुक किया। बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। मुझे लगा कि आप सभी से मैं ये स्टोरी जरूर साझा करूं। आप सभी अंत तक इस कहानी को सुने और सोचें, कहीं हम भी इस तरह अपने बच्चों के साथ तो नहीं कर रहे। मैं पूरी कहानी जब आप लोग सुनेंगे, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर सोचेंगे कि इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिल रही है या जो हमें सीखना चाहिए, तो आप लोग उस पर गंभीरता से सोचेंगे और जरूर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे कि आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। वॉल्यूम थोड़ा कम है माइक का यूज़ नहीं करने की वजह से, तो आप सभी से निवेदन है कि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो शोर ऐसे जगह में बैठ के सुने जहाँ पर शोर ना हो, या फिर एकांत में आप बैठकर इस कहानी को सुने और जरूर अपने बच्चों के बारे में एक बार सोचे, कहीं हम अपने उम्मीदों की वजह से, एक्सपेक्टेशन की वजह से, कहीं अपने बच्चों के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। तो बाकी कहानी में सुनते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मम्मी ही या दादा दादी या नाना नानी बच्चों को कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। कहानी का मकसद ये है कि बच्चों को क्या, कहानी के माध्यम से, कहानी क्या है, एंजॉय करते हैं बच्चे कहानी सुनना, है ना। और कहानी के माध्यम से क्या, बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, तो कुछ भी सिखाना है तो आपने कहानी के माध्यम से बच्चों को। तो मेरी कहानी का नाम है काला कबूतर। ठीक है, काला कबूतर। कबूतर क्या होता है, यूजली सफेद रंग का होता है ना। एक दूसरा पक्षी होता है फाफड़ा कबूतर की तरह ही, लेकिन वो ग्रे ग्रे कलर का होता है ना। तो काला कबूतर, तो एक कबूतर थी तो उसका नाम था मंजरी। वो सफेद थी, ठीक है। तो उसने एक पेड़ पर अंडे दिए, दो अंडे दिए। तो वो बहुत दिनों से वेट कर रही थी कि कब उसके अंडे से चूजे बाहर निकल करके आए। ठीक है, एक पेड़ पर थी, उसी पेड़ में एक साथ में एक तोता भी रहता था। ठीक है, वो देख रहा था उस कबूतर को कि उसकी एक्साइटमेंट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है कि कब मेरे क्या है बच्चे जो है अंडे से बाहर निकल कर आए। ठीक है, टाइम बीता गया बीता गया, और क्या है, एक दिन एक वाले अंडे से एक छोटा सा चुन्नू निकल कर आया। ठीक है, तो मंजरी ने देखा कि वो उसकी बेटी थी, बेटी थी। तो उसने वेलकम किया, गुड़िया आप आ गए, आपका स्वागत है हमारी दुनिया में। वो व्हाइट कलर की थी, अपनी मम्मी की तरह ही। ठीक है, फिर उसमें दूसरा अंडा भी था। कुछ दिनों के बाद उससे भी एक बच्चा निकल के आया, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट क्या था कि वो ब्लैक कलर का था। ठीक है, कबूतर का बच्चा, लेकिन ब्लैक कलर का, और वो बहुत दुबला पतला जैसा था। ठीक है, तो साथ में जो दूसरे पेड़ पर जो तोता बैठा था, उसने देखा ये क्या हो गया। मंजरी भी खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। ठीक है, उसने बोला कि तोते ने बोला कि बधाई हो बधाई हो, आपके घर में क्या है, बेटी भी हुई है और बेटा भी हुआ है। ठीक है, माँ है तो पहले उसको सरप्राइज हुआ, मेरा बेटा ऐसे काले रंग का, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर लिया। भगवान जी ने दिया है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों बच्चों की परवरिश उसने बहुत ज्यादा अच्छे से की। ठीक है, तो कबूतर जो भी बच्चों के पापा थे, उसका नाम था गोगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो आया और उसने देखा कि एक बेटी है जो कि व्हाइट कलर की है और बेटा है काले कलर का है। ठीक है, तो उसने अपनी मंजरी से बात की, अपनी वाइफ से, कि ये क्या हो गया, हम दोनों तो दोनों सफेद है, तो ये काले रंग का कैसे हो गया। ठीक है, तो
उसने ना ताना जैसे मारा मंजरी को कि ऐसे कैसे हो गया, ये मेरा बच्चा नहीं हो सकता वाली बात है, ठीक है। तो मंजरी ने गोगा को बोला कि नहीं, ये हम दोनों की ही बच्चा है, हम दोनों का ही बच्चा है, ठीक है। तो मंजरी ने उस काले कलेर के जो बच्चा था ना उसका उसका नाम राजा बेटा रखा था, राजा बेटा। तो उसने बोला हम दोनों को कि क्या है ये, क्या है हमारा ही बच्चा है, बेशक जैसे क्या है इसका कलर डिफरेंट है और थोड़ा ये दुबला पतला, उसको ना कमजोर जैसी थी बेटी से ना, वो कमजोर था बहुत, ठीक है। ये मेरा बेटा है जैसा भी है, देखो इसकी नैन नक्श यानी फीचर्स कितने अच्छे हैं, इस देखना ये बड़ा होकर के बांका नौजवान बनेगा। और जो वो उसकी बहना थी ना, वो भी अपने राजा भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों इस तरह से बड़े बड़े होते गए होते गए, लेकिन जब फिर वो अपनी बहन के साथ बाहर निकलता था ना ग्रुप में, दूसरे पक्षी क्या है उसके काले होने पर उसको क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे, बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। और दुबले पतले होने पर कि क्या है तुम बाहर निकला मत करो, है ना, इतने कमजोर जैसे हो गिर गिर रहे होंगे, है ना, कहीं काले से जामुनी ना हो जाए, इस तरह से उसको मजाक उड़ाते थे। तो उसकी बहना बोलती थी कि आप क्यों मजाक उड़ा रहे हो, ये मेरा प्यारा भाई है। तो इस तरह से ना जो राजा कबूतर है उसको पता लगने लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मेरी बहना क्या है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है ना, और मेरे साथ रहती है। तो इस तरह से एक दिन क्या हो गया कि वो अपने पेड़ पर बैठा था, ठीक है, उसी पेड़ पर बहुत ज्यादा पंछी रहते थे और कोई नहीं बोला उसको, तो देखने में हमारे जैसे काले हो तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब मजाक बनाया उसका कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम हमारी ग्रुप में ही आ जाओ, है ना, बेशक तुम दुबले पतले हो हम तुम्हें ज्यादा काम नहीं करवाएंगे। तो उसको ना बहुत ही ज्यादा फील हो गया उस बच्चे को। तो उसने सोचा, वो उड़ते उड़ते दूर चला गया और उसने सोचा कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया होगा, ऐसे काला क्यों बनाया होगा, दुबला पतला क्यों बनाया होगा, तो मुझे क्या है जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है, है ना। तो इस तरह से वो अपनी फैमिली को छोड़ करके उड़ता 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 बहुत दूर चला गया, ठीक है। और उसकी मम्मी पापा ढूंढने लगे, उसकी मम्मी को बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई, उसको तो जंगल का रास्ता भी पता नहीं है, है ना, वापस कैसे आएगा। तो क्या किया, वो उड़ता 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 बहुत दूर निकल गया और एक पेड़ पर बैठ गया। तो उसने देखा कि नीचे मोर थे, बहुत सारे मोर थे, और वो सोचने लगा कि ये तो कितने सुंदर है और मुझे क्यों बनाया होगा भगवान ने ऐसे काला और दुबला पतला, ठीक है। तो उनमें से ना एक मोर की नजर ना उस बच्चे पर पड़ी, राजा बेटा पर, ठीक है। तो वो डरने लगा और अपने आप को छुपाने लगा कि कहीं ये लोग मुझे ना दिखे, और उसको ये डर लग रहा था कि जैसे दूसरे पंछी भी उसका मजाक उड़ाते हैं ना, तो कहीं ये मोर भी खुद तो इतने सुंदर है भाई, मेरा भी मजाक बना सकते हैं। तो वो छुपाने लगा। तो एक मोर उसके पास आया और बोला कि नाम पूछा उसका बेटा कि क्या नाम है आपका, ठीक है। वो डरते डरते बोला कि प्लीज प्लीज मेरा मजाक मत बनाओ, है ना, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें कि मैं ऐसा हूँ। तो मोर बोला कि बेटा हम मजाक नहीं बनाएंगे, कहाँ आए हो आप, कहाँ हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, उसको अच्छे से बात किया, बहुत प्यार से बात किया। और मोर ने बोला कि क्या बोलते आपको भूख लगी होगी, उसको खाने के लिए दिया। फिर जैसे ही वो थोड़ा कंफर्टेबल जैसा हो गया ना, तो मोर ने क्या है उससे पूरी बात सुनी। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे है, ऐसे मेरे मम्मी पापा है, वो मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट जैसा हूँ, तो सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं घर छोड़ करके आ गया हूँ, ठीक है। तो मोर ने जो है बहुत अच्छे से उसकी सेवा की, ठीक है। तो उन्होंने ना एक लाल रंग के वैद्य था तोता, मोर ने मोर की समूह ना उसकी बहुत सेवा करने लगी, ठीक है, बहुत प्यार करने लगे, जैसे दूसरे पक्षी करते थे ना उसको टीस करते थे, तो वैसा नहीं किया उन्होंने, बहुत प्यार दिया उसको। और वैद्य को बुलाया तो वो लाल लाल रंग का तोता था वो वैद्य, तो उसने अच्छे से जांच की उस राजा बेटा की ना। तो जांच करने के बाद वैद्य ने बताया कि उसको बचपन से एक बीमारी है जिसकी वजह से क्या है उसका रंग जो है वो काला हो गया है, और वाइट की जगह काला हो गया, और उसकी हड्डियां भी कमजोर है, और जब वो बीमारी थी ना वो जन्मजात उसकी बीमारी थी, ठीक है। तो लाल धोते जो वैद्य था उन्होंने बताया कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसकी इलाज करने के लिए। तो जो वो मोर काका थे उन्होंने बोला आप जितनी मेहनत कर सकते हो आप करो, जो भी चीजें आपको चाहिए हम ला करके देंगे, ठीक है। इस बीच में जो वो काला राजा बेटा था ना वो काफी कंफर्टेबल हो गया था, वो सभी की सेवा भी करता था और उसको अच्छा लगने लगा था क्योंकि कोई उसको परेशान करने वाले नहीं थे उस रूप में। फिर क्या हुआ कि कई दिनों तक उसका इलाज चला, दिनों तक इलाज चलने के बाद भी उस बच्चे पर कोई असर नहीं दिखा। फिर सभी परेशान हो गए, फिर मोर जो मोर का कथे उन्होंने वैद्य से रिक्वेस्ट की कि आप कोशिश करो, आपको जो भी चीजें चाहिए हम ला करके देंगे आपको।
ठीक है। इस तरह से इलाज चलता गया चलता गया चलता गया। राजा पीटर ने बोला अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप लोग परेशान मत हो। लेकिन मोर काका ने नहीं, मोर काका ने बैदे को बोला कि नहीं नहीं आप अपनी कोशिश जारी रखिए। तो एक दिन क्या हुआ, वो खेलते खेलते तालाब के किनारे पहुंचा और उसने अपने आप को ना अपनी शेडो देखी उसमें तालाब में ना राजा पीटर की परछाई देखी। तो उसने देखा कि उसका रंग बदल रहा था, रंग बदल रहा था मतलब कि इलाज का असर हुआ। इलाज का असर हुआ और कुछ दिनों के बाद उसकी सेहत भी ठीक हो गई। ठीक है, अब जो वो काले रंग का था अब वो बिल्कुल ही उजला यानी सफेद रंग का हो गया और स्ट्रांग भी इतना हो गया। ठीक है, तो सभी खुश हुए, जो वो मोर का समूह था वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो राजा बेटा ने सभी को धन्यवाद किया। फिर मोर काका ने बोला कि बेटा अभी रुको, आप कुछ दिनों के बाद क्या है जंगल में एक कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है, एक पहाड़ी है वहां पर दूसरे जो बर्ड्स है पक्षी है वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे। अब क्योंकि राजा बेटा बिल्कुल ठीक था तो आपने भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अब वो दिन आ गया जब कंपटीशन होना था। ठीक है, सारे बर्ड्स आ गए और उनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया। ठीक है, अब राजा बेटा जो कि बिल्कुल उजला हो गया था और बिल्कुल ठीक हो गया था, उसने भी पार्टिसिपेट किया कॉम्पिटिशन में और उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया, एक टीले पर पहुंचना था, मतलब कि पहाड़ी के टीले पर पहुंचना था। तो काफी देर तक उड़ने के बाद उसने देखा कि कुछ पक्षी तो मुझसे आगे है। उसने कोशिश की और उन पक्षियों से भी आगे पहुंच गया। ठीक है, अब वो पहुंचने ही वाला था कि एक बाज मिला उसको, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था बाज ना, तो उसने ना राजा बेटा को ना वो टक्कर मारी ताकि वो कंपटीशन पूरा नहीं कर पाए। लेकिन वो इतना स्ट्रांग हो चुका था कि उसने उसको भी हरा दिया और अपना कॉम्पिटिशन पूरा करके आ गया। क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में ना सभी क्या है बर्ड्स पक्षी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहां पर राजा पीटर की मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो उन्होंने पहचाना नहीं अपने बेटे को क्योंकि वो बिल्कुल बदल गया था। तो फिर वो अपने मम्मी पापा के पास गया और उसने बोला कि मैं आपका राजा बेटा हूँ। और मम्मी पापा बहुत रोए और क्या है पापा भी बहुत ही ज्यादा पछताए है ना, और उन्होंने उसको हग कर लिया। तो ये थी स्टोरी काला कबूतर। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है आप लोगों को कि क्या तो ये थी कहानी। आशा करता हूँ कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। कि जब हम सुन रहे थे, जब माताओं ने सुना तो आप सभी ने देखा होगा कि काफ़ी भावुक हो गए थे। तो हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि हम अपनी उम्मीदों के लिए एक्सपेक्टेशन के लिए की वजह से अपने बच्चों के साथ उन्हें कुछ कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दे रहे हैं, चाहे पढ़ाई के मामले में हो चाहे किसी और गतिविधि के लिए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा बेटा भी हमसे दूर जा रहा है। तो हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार राजा बेटा को अपनी मंजिल मिली मोर की वजह से, तो हमें वो मोर खुद बनना पड़ेगा, अपने बच्चे का मोर खुद बनना पड़ेगा और उसे सही दिशा दिखानी होगी, क्योंकि हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चा अपना एक हुनर लेकर आया है। बस हमें पहचानने की ज़रूरत है उसके हुनर को और उसे हौसला देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।